हेलो दोस्तों, आज लेके आई एक नया नाश्ता जो बच्चों को पसंद आएगा। और जब बच्चे बोलते हैं हमें पसंद नहीं है, ये नहीं खाना वो नहीं खाना, तो आप ये बना कर देंगे तो वो आराम से खा लेंगे। और अभी विंटर की सीज़न स्टार्ट हो चुकी है तो हरी सब्ज़ियाँ बहुत ही अच्छी मिलती है, तो आप हरी सब्ज़ी का ये नाश्ता ज़रूर बना सकते हो और आपके बच्चे आराम से खा लेंगे। सुबह उठते ही आप ये नाश्ता बना कर देंगे तो मैंने क्या किया है, जो मेथी आती है वही मेथी ली है और उसमें बेसन ऐड कर दिया। और आपके घर में जितने भी मसाले होते हैं वही ऐड करिए, लीला वटाणा होता है, जो भी सब्ज़ी होती है वो सब्ज़ी आप इसमें ऐड करिए। इसमें मैंने अजवाइन डाली है, हरी मिर्च डाली है, लाल मिर्चा पाउडर डाला है, हल्दी पाउडर, नमक, थोड़ा आदू लहसुन की पेस्ट, ये सब कुछ मैंने इसमें डाला है। और फिर एक अच्छा सा बैटर आपको रेडी करना है। तो आप इसके क्या बोल सकते हो, जो मसाला डोसा आता है और मसाला डोसा भी बोल सकते हो, आप बेसन के चीले भी बोल सकते हो, बट आप उसको अच्छे से बोलना चाहते हो तो आप मसाला डोसा बोलिए और आपके बच्चे के सामने रख दीजिए। जो बच्चे होते हैं वो आराम से खा लगे, उसको आप उनके टिफ़िन में भी आप अच्छे सॉस के साथ भी रख सकते हो, तो बच्चे आराम से खा लेंगे। तो ये वानगी आप घर पर ज़रूर बनाएंगे। तो चलिए अब हम उसका डोसा बनाते। तो डोसा कैसे बनाते, मैंने एक कायन की जो तवी बोलते हैं, पैन बोलते हैं, जो भी आपके पास हो वो ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर तवा लिया है, जो आपके घर में जो रोटियाँ बनाते हैं वही तवा पर मैंने आराम से एक गोल सा जो डोसा होता है बस उसी तरह से उसी शेप में मैंने एक कटोरी से बना लिया है। तो आप इसी तरह से ही बनाना। क्या होता है कि बच्चे जब कुछ नया देखते हैं, कुछ नया खाने का मन करता है, तो आप कुछ उस तरह से बनाकर दे सकते हो, क्योंकि अभी विंटर का सीज़न चल रहा है तो इसमें काफ़ी अच्छी अच्छी सब्जियां मिलती है। तो आप कुछ नया करके देंगे तो बच्चे क्या होते हैं, अच्छे से खा लेते हैं, उनको लगता है कुछ नया है खाने के लिए। तो बस कुछ इसी चीज़ से आप बना कर देंगे। तो दोनों बाजू आपको अच्छे से पकाना है, तो बस कुछ इसी तरह से तेल कम डालना है। जो आप, हाँ, आप डाइटिंग में भी ये सुबह ले सकते हो, जब आप ब्रेकफास्ट करते हो तो ये आपके वेट लॉस के लिए भी काफ़ी अच्छा है, क्योंकि वही नाश्ता आप आराम से सुबह एक चिल्ला खा सकते हो और डोसा भी बोल सकते हो। तो बस ये हरा भरा डोसा भी आप उसको बोल सकते हो। तो ये मसाला का हरा भरा डोसा है। तो बस कुछ इसी तरह से मैंने उसको पलट दिया, कुछ इसी तरह से आपको पका कर रेडी करना है। तो दूसरी बात भी हम अच्छे से उसको रेडी कर देंगे। तो अभी मैं शाम के टाइम एक बना रही थी तो मैंने सोचा कुछ नया करती हूँ। तो आपको कुछ वीडियो की फ्रिक्वेंसी कम लगे तो प्लीज़ उसे मैं माफ़ कर देना, और मेरे यूट्यूब चैनल को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट और प्रेम करना। और आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब मैं आपके साथ ऐसे नए नए वानगियों का वीडियो लाती रहूंगी, आप मुझे ऐसे प्यार और सपोर्ट करते रहिएगा। दोनों साइड आपको उसे अच्छी तरह से पका कर रेडी कर देना है और आप अच्छे से आपके घर के सभी लोगों के साथ मिलकर खा सकते हो। तो बस ये थी मेरी आज की रेसिपी, आपको कैसी लगी है मुझे ज़रूर बताइएगा। ऐसे में नए नए रेसिपी का वीडियो आपके साथ शेयर करती रहूँगी। बच्चों का नाश्ता, सुबह क्या बनाना है, शाम के टाइम क्या खाना बनाना, सब वीडियो मैं आपके साथ डालती रहूँगी, बट आपका प्यार और सपोर्ट बहुत ही अच्छा। और जब आप तुरंत ही खाओगे तो काफ़ी ज़्यादा क्रंची क्रंची भी आपको लगेगा। इसमें आप थोड़ी सूजी ऐड करते हो तो काफ़ी ज़्यादा क्रंची क्रंची भी लगेगा। मैंने सूजी नहीं ऐड की, मैंने ओनली बेसन, और जो भी आपके घर में सब्ज़ी है वो सब्ज़ी आप इसमें ऐड कर सकते हो। तो बस मेरा चिल्ला कम्प्लीटली रेडी हो चुका है। तो बस आप इसी तरह से आपके बच्चे के लिए नया नया नाश्ता बनाकर उनको देते रहिएगा। तो चलिए अब मैं दूसरा भी चिल्ला बना रही हूँ। तब तक मैंने सारा चिल्ला बनाकर रेडी कर दिया है, डोसा बोल सकते हो। तो बस मेरा हरा भरा डोसा रेडी हो चुका है। तो कैसा लगा वीडियो, पसंद है लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं, मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर, सेफ।